अभी शुरू करते हैं बस। ओके सर, ये फाइनेंशियल मार्केट वैदिक वाले पे बेस्ड है इस या केपी का इनपुट है इसमें? देखिए अपने को सब लोग एक तो म्यूट रखिए, एवरीबॉडी प्लीज एवरीबॉडी कीप योरसेल्फ म्यूट, डिस्टरबेंस आएगी। रिकॉर्डिंग मैंने चालू कर दी है। हाँ जी, जय भवानी। देखिए ये इसमें मिक्स है, इसमें केपी की केपी भी यूज होगा, इसके अंदर मंडे एस्ट्रोलॉजी भी यूज होती है, श्री भद्र चक्र, ये सब ना पूरा आप समझोगे। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं ये सब लेके हम ये वाला कोर्स बनाया हुआ है। ओके, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में कोई ऐसा सूत्र नहीं है कि एक ही सूत्र लगा दो आ जाता है, कई सारे सूत्र होते हैं, अलग अलग वेटेज देके हम लोग फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको कोर्स में यही समझाऊंगा ये किस पे बेस्ड है। ओके, तो चलिए लेट अस स्टार्ट। अभी मैं सब लोगों को म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस आती है, डिस्टर्ब दिक्कत हो जाती है करने में। अच्छा, मेरी स्लाइड दिख पा रही है सबको? यस सर, दिख रहा है। मेरी स्लाइड भी दिख रही है, आवाज आ रही है। अब मैं सबसे बोलूंगा कि सब लोग अपने को म्यूट कर लीजिए। चलिए हम लोग गणेश जी की वंदना के साथ आरंभ करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु में से देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओके, तो गणेश जी हैं, इनकी आशीर्वाद के साथ ही हमें ऑकल्ट साइंस में कोई भी चीज शुरू करनी चाहिए। ऑकल्ट साइंस के जो डीटी हैं वो श्री गणेश जी हैं। अपने को म्यूट कर लीजिए और अदरवाइज लेट मी म्यूट एवरीबॉडी बिकॉज कोई सुनेगा नहीं। देखिए फ्यूचर टेक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु साइंसेज, यहाँ का मैं डायरेक्टर हूँ। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दे देता हूँ। ओके, आई एम अ डायरेक्टर ऑफ फ्यूचर टेक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु साइंस। ऑनलाइन कोर्सेज हमारे यहाँ कंडक्ट होते रहते हैं, वास्तु शास्त्र, एस्ट्रो वास्तु, केपी एस्ट्रोलॉजी, ये सब मैं स्वयं पढ़ाता हूँ, और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। इसके अलावा न्यूमरोलॉजी, टैरो, क्रिस्टल हीलिंग हमारे यहाँ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग पढ़ाते हैं। मेडिटेशन और योगा के भी सेशंस हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा होते रहते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ऑकल्ट साइंस एक डिवाइन साइंस है। अनटिल और अनलेस यू आर कनेक्टेड टू द डिवाइन, यू आर कनेक्टेड टू यूनिवर्स, हमारे रिजल्ट में एक्यूरेसी उतनी नहीं आती जितनी आनी चाहिए। सारे रूल रेगुलेशन तो आने चाहिए, बट हमारे इट ऑल्सो नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ डिविनिटी। ओके, सो मेडिटेशन और योगा का मैं भी बहुत ज़्यादा मैं महत्व देता हूँ। अपने बैचेज में भी कोशिश करता हूँ कि मैं एक बैच एक सेशन उनको फ्री में करा दूँ। ओके, तो एक बार वो समझ लेते हैं तो अपना मेडिटेशन के राह पे वो चल सकते हैं। कुछ लोग भाग्यवान होते हैं कि वो हाई मेडिटेशन और इंट्यूशन के साथ पैदा होते हैं, बट फॉर्चुनेटली हम लोग कॉन्शियसली भी अपना इंट्यूशन, अपना कनेक्टिविटी विद यूनिवर्स बढ़ा सकते हैं।
प्रैक्टिस करके, तो वो सब हम मेडिटेशन में हम सिखाते रहते हैं। इसके अलावा वास्तु एस्ट्रोलॉजी की मैं कंसल्टेंसी देता हूँ, और एक प्रोडक्ट है हमारा वास्तु टेक सॉफ्टवेयर के नाम से। ओके, तो वास्तु टेक ये जो है पूरा एंड टू एंड वास्तु एनालिसिस के लिए यूज होता है। अभी तक वास्तु का कोई टूल ऐसा नहीं था कि जिससे कि हम 8, 16, 32 में उसको बांट सकें, जो मॉडर्न वास्तु और वैदिक को के साथ कंप्लायंट हो। ओके, बहुत सारी चीजें थी, आयादि वगैरह, रिपोर्टिंग, ये सारे फीचर्स इसके अंदर हैं। तो जो वास्तु में इंटरेस्टेड हो उसके लिए मैंने ये बोला है। अदरवाइज आज हम लोग फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के लिए एकत्रित हुए हैं, तो इसके बारे में अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, थोड़ा मैंने आपको हिंट दिया। ओके, whosoever is interested वो हमसे बात कर सकता है इसके बारे में। ये जो कोर्स के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, ये 27 जनवरी से शुरू हो रहा है और करीब 2 महीने का ये कोर्स होगा। अभी लास्ट बैच मैंने कराया था तो वीक में एक क्लास लेके चले थे, तो वो 4 महीने तक चल जाता है। दिस टाइम वी विल बी डूइंग 2 क्लास इन अ वीक, देयर विल बी 16 क्लासेस, तो ये 2 महीने का हमारा कोर्स रहेगा और 27 जनवरी से शुरू होगा। रात को 8:30 से 10 बजे तक की हमारी क्लासेस इसकी होंगी, जूम के ऊपर होगा, जूम के ऊपर लाइव हमारा ये सेशन होगा। हर सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी, अगर आप कोई सेशन अटेंड नहीं कर पाते हो फॉर सम रीजन और द अदर, और इफ यू वांट टू हियर द सेम सेशन अगेन समवेयर इन फ्यूचर, तो आप वीडियो की रिकॉर्डिंग से सुन सकते हैं। सर्टिफिकेट मिलेगा, इंस्टीट्यूट हमारा रजिस्टर्ड है। ओके, वंस यू डू इट यू कैन से दैट यू आर सर्टिफाइड फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर। ओके, एंड द फीस ऑफ दिस कोर्स इज 21,660 rupees, जो कि आजकल जो कोर्सेज लोग कराते हैं उसके कंपैरेटिवली मैंने बहुत इसको रीजनेबल प्राइस पर रखा हुआ है। स्टडी मटेरियल भी हमको इस कोर्स का मिलेगा इंग्लिश और हिंदी में, जिसमें जिसकी जो इच्छा होगी। अभी 2 साल से कोविड बहुत ज्यादा चल रहा है, आपको पता है वर्ल्ड वाइड, तो अभी मेरी मोस्टली ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती हैं। लास्ट 1.5-2 साल में काफी ऑनलाइन माध्यम से वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स को हमने ट्रेनिंग दी है, उसमें से कुछ लोगों की फोटो इस स्क्रीन पे है जितनी हम डाल सकते हैं। ओके, अदरवाइज तो अभी व्हाट माय ड्रीम इज, आई वांट टू गिव ट्रेनिंग टू एटलीस्ट 2000 स्टूडेंट्स इन द ईयर ऑफ 2022, जिसमें केपी का कोर्सेज हैं, वास्तु के कोर्सेज हैं और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज हैं, और टाइम टू टाइम हमारी वर्कशॉप्स भी होती रहती हैं। अभी जो अपकमिंग कोर्स हैं जनवरी और फरवरी में, जो मेन अपकमिंग कोर्स हैं, एक तो रहेगा एस्ट्रो वास्तु का, इट इज स्टार्टिंग ऑन 14th of February। एस्ट्रो वास्तु के अंदर हम एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को लिंक कर देते हैं। वास्तु एक इंडिपेंडेंट साइंस है, एस्ट्रोलॉजी एक इंडिपेंडेंट साइंस है। एस्ट्रोलॉजी में व्यक्ति अपने प्रारब्ध के अनुसार दशा भुक्ति अंतरा में तरह तरह के रिजल्ट अपने पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से प्राप्त करता रहता है। अच्छे कर्मास के परिणाम एक खास दशा भुक्ति अंतरा में मिलते हैं, और जो दंड उसको मिलता है वो भी एक खास दशा भुक्ति अंतरा में मिलता है। उधर मनुष्य जिस अपनी बिल्डिंग में रहता है, वो बिल्डिंग भी प्लैनेट्स और एनर्जी फील्ड, जिसको 45 देवताज कहते हैं, उनके इन्फ्लुएंस में होती है। तो दोनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, पर अगर हम एस्ट्रोलॉजी को और वास्तु को लिंक कर दें, कोई व्यक्ति किसी खास दशा भुक्ति अंतरा में चल रहा है और उसकी बिल्डिंग को अगर हम उसी तरीके से डिजाइन करें कि जो उसको फेवर करे, तो उसके परिणाम बड़े आश्चर्यजनक और बहुत फास्ट आते हैं। क्योंकि व्यक्ति विशेष आपके पास क्यों आएंगे, जब वो किसी पीड़ा में होंगे, किसी परेशानी में होंगे, बीमार हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं, कोई उनका काम करना चाह रहे हो नहीं पा रहा है, बाधाएं आ रही हैं, जब भी तो आपके पास आएगा वो, तो उसकी बाधाओं के अनुसार
वो जब आएगा वो क्यों बाधा उसको आ रही है, कोई खास महादशा भुक्ति जिसको हम भुक्ति भी कह सकते हो, अंतरदशा कह सकते हो या प्रत्यंतर, उस दशा पीरियड में उसको जो भी परिणाम मिल रहे होंगे, अगर बुरे मिल रहे हैं तो ही विल कम टू यू, उसको हम एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के माध्यम से कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये कोर्स 14 तारीख से शुरू होगा। इसके अंदर लाल किताब का भी मिक्स है, वैदिक भी है, हिट थ्योरी भी है, मतलब तो ये हमारे वैदिक केपी और लाल किताब की बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेके बनाया हुआ एक बहुत बहुत इफेक्टिव कोर्स है। स्पेशली रेमेडीज की अगर हम बात करें, इमीडिएट रेमेडी की हम बात करें, तो ये कोर्स बहुत यूजफुल है। केपी एस्ट्रोलॉजी के कोर्स मेरे रेगुलर होते रहते हैं, वर्ल्ड वाइड इसमें स्टूडेंट्स आते हैं। अगला जो बैच है हमारा 23 फरवरी को शुरू होगा। इसकी फीस 16,350 होती है। इसमें एक साल का केपी स्टार 1 का सॉफ्टवेयर भी फ्री मिलता है और 5 दिन की एक वर्कशॉप शुरू होगी 28 जनवरी से, मात्र 3,300 रुपये है। तो इस तरह की वर्कशॉप मैं कराता हूँ लोगों को लाभ देने के लिए, तो और इसकी फीस मैं बहुत कम रखता हूँ जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। स्पेशली वर्कशॉप उन लोगों के लिए होती है जो ऑलरेडी दे हैव डन अ कोर्स इन वैदिक और इन केपी और किसी खास सब्जेक्ट पे वो फर्दर अपना स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ कवर होगा, 64वां नवमांश ड्रक्कन बुक है ना, 22वां ड्रक्कन, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हम नक्षत्र किस तरह से प्रभावित करते हैं बीमारी के लिए, कोई खास बीमारी कैसे देख सकते हैं, ये सब कुछ इसमें कवर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के लिए, जिसके लिए आज हम लोग एकत्रित हुए। अच्छा, आपको रिकॉर्डिंग का दिख रहा है क्या? एक सेकंड, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में वी विल स्टार्ट विद, देखिए सबसे पहले इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, भाव क्या होते हैं, राशियां क्या होती हैं, नक्षत्र क्या होते हैं, जोडिया कैसे बनता है, कैसे उसको डिवाइड करते हैं 12 डिवीजन में राशियों के लिए और 27 डिवीजन में नक्षत्रों के लिए। ये थोड़ा वैदिक की बैकग्राउंड होगी, एक सेशन हम उसके बारे में करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी है इसके अंदर वैदिक भी यूज होगी और मंडेन के कुछ टूल्स हैं जैसे सर्वतो भद्र चक्र, वो भी यूज होंगे। तो बार बार हमको राशि, नक्षत्र, नवमांश, कुछ इस तरह की चीजें हमको, ये हमारी टर्मिनोलॉजी बार बार यूज होगी। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का भी मैं एक सेशन इसमें रहेगा शुरू में। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि 12 जो साइन है, 12 भाव है, 12 साइन है, 12 राशियां हैं, ये किन किन खास कमोडिटीज को सिग्निफाई करते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हर प्लैनेट किसी खास कमोडिटी को सिग्निफाई करता है, इसको हम आगे समझेंगे अभी प्रेजेंटेशन में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे इसी कोर्स में। एस्ट्रोलॉजी के अंदर इन्फ्लेनेशन डिफ्लेनेशन, मतलब तेजी और मंदी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, इसके बारे में हम समझेंगे। पंचांग का बहुत बड़ा रोल होता है, ट्रांजिट का बहुत बड़ा रोल होता है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को टाइम करने में और ये बताने में कि कब तेजी आएगी कब मंदी। उसमें सूर्य का जो ट्रांजिट होते हैं 12 राशियों में, और जब वो ट्रांजिट कर रहे हैं उस टाइम चंद्रमा किस स्थिति में, वो मार्केट को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसको समझेंगे। फिर फास्ट मूविंग प्लैनेट, क्योंकि सूर्य तो एक राशि में गया, एक महीने तक विराजमान रहते हैं, उसके बाद फास्ट मूविंग प्लैनेट है, जैसे चंद्रमा एक राशि में जाता है तो 2 दिन तक वो मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है उस पर्टिकुलर राशि को। उस राशि के अंदर भी 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो अलग अलग नक्षत्र में फिर एक एक दिन के बाद बेस पे हम जान सकते हैं कि वो चंद्रमा मार्केट को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, चंद्रमा जिस कमोडिटी का, जिस मार्केट का कारक है उसको कैसे कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, वो हम समझेंगे। ग्रहण का क्या इफेक्ट आता है इसको समझेंगे, और पर्सनल हॉरोस्कोप इसको भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि हम हैं बेसिकली वी आर एस्ट्रोलॉजर्स। ओके, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमारा एक अलग डोमेन या स्पेशलाइजेशन हो सकता है, पर्सनल हॉरोस्कोप जानना भी बहुत जरूरी है व्यक्ति विशेष की। देखिए 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो खुद इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं,
दूसरे वो होते हैं कि खुद पैसा लगाएंगे तो डूब जाता है, पर वो दूसरे उनको टेक्निकल नॉलेज पूरी होती है, पर उनकी जन्म पत्री के अंदर कुछ ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं जैसे कि पांचवा ग्रह संबंधी 12वें घर से बना के बैठा है, 8वें घर से तो नहीं आ रहा उनको लाभ। पर ऐसे लोग दूसरों को सलाह देते हैं तो उनसे बहुत पैसे कमवा लेते हैं, दूसरों को गाइड करके वो बहुत पैसे अपने इन्वेस्टर्स को कमवा सकते हैं, तो वहां से कमीशन से। इसको आप ऐसे देखिए, अब सचिन तेंदुलकर है, वर्ल्ड का नंबर वन बैट्समैन रहा, उसके गुरुजी थे जिन्होंने उसको क्रिकेट खेलना सिखाया, वो खुद क्रिकेट नहीं खेल पाए, पर सारी टेक्निक उन्होंने तेंदुलकर को सिखाई और एग्जीक्यूट तेंदुलकर ने किया, ही बिकेम द नंबर वन क्रिकेटर। ऐसी आप देखोगे चंद्रगुप्त को चाणक्य ने राजा बना दिया, चाणक्य ठीक है तो वो बैकग्राउंड में थे। तो जरूरी नहीं है, कई लोग मेरे पास आते हैं बड़े मायूस होते हैं जी, पैसा लगाता हूँ, सारी नॉलेज है, स्टडी करता हूँ, पैसे लगाता हूँ, डूब जाता है। उनकी उसकी कुंडली देखते हैं तो पता लगेगा, ये तो लगाएगा तो ये पैसा इसका डूब नहीं है, पर वही व्यक्ति दूसरों को पैसा कमवा सकता है। तो कुछ लोग हैं मेरे जो बताए हुए हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं शेयर मार्केट में, खुद नहीं लगाते पर दूसरों से। तो पर्सनल हॉरोस्कोप के अंदर क्या ऐसे ग्रह हैं, क्या ऐसे योग हैं कि ये पैसा बना सकते हैं, बना सकते हैं तो किस पीरियड में बनाएंगे, किस टाइम पैसा लगाएंगे, कौन से ट्रांजिट में पैसा लगाएंगे, तो ये पर्सनल हॉरोस्कोप भी हम लोग समझेंगे। और इसकी कुछ रेमेडीज वगैरह भी होती हैं, रेमेडीज भी कुछ हैं जो हम कर सकते हैं शेयर मार्केट के लिए स्पेशलाइज, दैट आल्सो आई विल टेल। उसके अलावा कुछ सिम्टम्स होते हैं स्काई में, सूर्य के ऊपर स्पॉट्स आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो यूनिवर्स में हम देख के बता सकते हैं वो कौन से सिम्टम्स हैं, दैट आल्सो वी विल अंडरस्टैंड। तो देखिए इसमें ये कई सारे हम फैक्टर देखते चले जा रहे हैं, अब इसमें से कोई भी एक ऐसा फैक्टर नहीं है कि हम अकेले उसी को पकड़ के कर दें, कैसे इनको मिक्स और मैच करके किसको कितना वेटेज देना ये भी हम समझेंगे। उसके बाद एक पावरफुल थ्योरी है जो कि आजकल सभी जगह यूज होती है, चाहे वो कृष्णमूर्ति पद्धति हो, चाहे वो एस्ट्रो वास्तु हो, और चाहे वो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, इसको हिट थ्योरी भी कहते हैं या वेस्टर्न आस्पेक्ट भी कहते हैं। पाराशरी में हम जानते हैं कि एक ग्रह अपने घर से बैठ के सातवें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है, मंगल बृहस्पति और शनि को स्पेशल दृष्टि प्राप्त, जैसे कि बृहस्पति पांचवें और नवे घर को भी देख जाता है। पर जो हमको प्लैनेट का मैलेफिक और बेनिफिक इफेक्ट पड़ता है वो डिग्री वाइज कॉम्बिनेशन का बहुत फर्क पड़ता है, उन दो प्लैनेट के बीच में कोई खास डिग्री का कॉम्बिनेशन बनता है वो तेजी कारक और मंदी कारक बन जाता है। ओके, वो कौन सी डिग्री है, कौन से कॉम्बिनेशन है, कौन कौन से प्लैनेट के बीच में कौन से डिग्री का संबंध से तेजी आएगी, मंदी आएगी, ये सब हम लोग इसमें समझेंगे। तो वेस्टर्न एस्पेक्ट हम लोग इसमें लेंगे, विच इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर केपी का। फिर इफेक्ट ऑफ होरा ऑन इंट्राडे, आपको पता है एक दिन के अंदर अलग अलग होरा चलते रहते हैं, तो उस खास घंटे के अंदर 2 से 3 के बीच में कौन सी होरा चल रही है, जिस टाइम पे ट्रेडिंग करनी है ठीक है, या सेलिंग प्रॉफिट उस खास मोमेंट पे, या उस पे कौन सा होरा चल रहा है, चंद्रमा कौन से होरा से ट्रांजिट कर रहा है, उसका इफेक्ट समझेंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सर्वतो भद्र चक्रा, ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी का ऐसा पावरफुल टूल है जिसको कि त्रिलोक दीपक भी कहते हैं, ये स्वयं भगवान शिव के द्वारा दिया हुआ एक चक्र है, सारे चक्रों का राजा सर्वतो भद्र चक्र है। बहुत से चक्र आपने सुने होंगे, बहुत से चक्र सुने होंगे, जैसे कोटा चक्र सुना होगा, त्रिपताका सुना होगा, बहुत सारे चक्रास होते हैं, सर्वतो भद्र चक्र उसमें शिरोमणि है। इसके जो वेद होते हैं उसके द्वारा शुभ वेद है, अशुभ वेद है, बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन करी जा सकती है। और आपको बताना चाहूंगा कुछ लोग सिर्फ सर्वतो भद्र चक्र के बेस पे ही प्रेडिक्शन करते हैं, बाकी फैक्टर को वो लेते भी नहीं है, तो भी उनकी प्रेडिक्शन 6 out of 10
और 7 out of 10 टाइम्स सही आती है। 10 बार वो प्रेडिक्शन करेंगे तो 6 या 7 बार प्रेडिक्शन सही आएगी। देखिए हर बार तो नहीं आएगी, बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि दूसरे फैक्टर भी गवर्न करते हैं, पर ये अकेला इतना बड़ा फैक्टर है कि इसी को अगर हम लगा दें फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के अंदर तो हम बहुत ज्यादा एक्यूरेसी मार्केट के अंदर ट्रेंड हम देख सकते हैं, इसको हम समझेंगे। एक और टेक्निक मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत पावरफुल है, और इसकी ब्यूटी क्या है, देखिए पूरे के पूरे दिन हम अपनी किताबों की बात करें, अपने शास्त्रों की बात करें, पूरे के दिन मार्केट पंचांग के द्वारा निर्धारित भी रहता है, कौन सा करण चल रहा है, कौन सी तिथि चल रही है, कौन सा वार चल रहा है, ओके, ये सारे फैक्टर गवर्न करते हैं। अब इन सबको अलग अलग लो तो ये चीजें सब्जेक्टिव बन जाती हैं, फिर नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कौन सा वार है, कौन सी तिथि है, कौन सा करण है, ओके, तो ये सारी चीज, कौन सा पक्ष है, तो ये सारी चीजें लेके अगर आप उसको अप्लाई करोगे तो पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसको अप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट है। ध्रुवांग के माध्यम से हम पंचांग को नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं, पूरा पंचांग नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, और जिस कमोडिटी को आप देख रहे हो, आप कहते हो मैं देखता हूं कि सोना कल कैसे रेट पे रहेगा, कल सोने में उछाल आएगा, तटस्थ रहेगा या गिरेगा, कल कॉटन में क्या आएगा, या मुजफ्फरनगर में आड़ती होते हैं, करोड़ों का कारोबार करते हैं, कल गुड़ का जैगरी, गुड़ का रेट कैसा रहेगा, शेयर्स ओवरऑल कैसे रहेंगे, हर एक को हम नंबर सिस्टम में दे सकते हैं। व्हाट आर दोज नंबर्स, वो हमारे स्कॉलर्स ने पहले ही दिए हुए हैं। यूजिंग दोज नंबर्स हम एक विधि के द्वारा बता सकते हैं कि कल का मार्केट आज के कंपैरिजन में बढ़ेगा या घटेगा। तो पूरा का पूरा पंचांग नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके ध्रुवांक विधि के द्वारा भी हम मार्केट को जान सकते हैं कि आने वाला कल कैसा रहेगा। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि कुछ लोग सिर्फ ध्रुवांक से ही मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं और उनके परिणाम भी आश्चर्यजनक आते हैं, ओके, बहुत कम लोग हैं जो बहुत ज्ञानी है वो यूज करते हैं और उनके रिजल्ट भी बहुत एक्यूरेट आते हैं। तो प्रेडिक्टिंग कमोडिटीज यूजिंग ध्रुवांक मेथड भी हम समझेंगे। और पॉइंट नंबर 14 को हम देखेंगे तो अधिकतर लोग मेरे पास इसी के लिए आते हैं, 14 और 15 पॉइंट को आप क्लब कर सकते हो कि इंट्राडे में आज का दिन कैसा रहेगा। कुछ लोग एक ही दिन में खेलते हैं, सुबह से लेकर शाम तक 10-10 मिनट की, 1-1 घंटे की ट्रेडिंग करते हैं, या अगले 3 दिन की पोजीशनिंग करते हैं। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, आज का दिन हाई कब रहेगा, लो कब रहेगा, ठीक है ना, कितने पे क्लोज जो है हाई पे बंद होगा या लो पे बंद होगा, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें समझेंगे, ओके। तो इंट्राडे ट्रेडिंग, बैंक निफ्टी, निफ्टी इसके बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, कौन से प्लैनेट है जो इसके कारक हैं, कैसे हम पढ़ेंगे कि इंट्राडे मार्केट कैसा जाने वाला है, ओके। स्टॉक्स एंड कमोडिटी के बारे में समझेंगे, जैसे सोने को, किसी का इंटरेस्ट सोने में होता है, देखिए इतने सारी कमोडिटी हैं, सारी कमोडिटी में तो कोई करेगा नहीं, कुछ लोग कहते हैं वो सोने को ही फॉलो करते हैं, कुछ लोग हैं जो आजकल करेंसी का बिजनेस करते हैं, फॉरेन करेंसी का, ओके, तो कुछ लोग खाली कॉटन में सीड करते हैं, गुड़ में करते हैं, कोई भी वो इंटरेस्ट है, तो कमोडिटी के बारे में समझेंगे। कुछ लोग का प्लान होता है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, अलग अलग लोगों के अलग अलग प्लान होते हैं, कुछ लोगों को क्विक रिटर्न चाहिए, कुछ लोग थोड़ा मिड टर्म रखते हैं होराइजन, कुछ लोग 6 महीने का बाद का होराइजन है तो लॉन्ग टर्म, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और एक कॉम्प्लीमेंट्री सेशन लूंगा मैं आपका, वो होगा गन थ्योरी के बारे में, इंट्रोडक्शन टू गन, ये कंप्लीट कोर्स नहीं होगा पर ये इंट्रोडक्शन होगा। गन थ्योरी भी आज बहुत, ये स्पेशली वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स
अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर्स इसी को यूज करते हैं और आश्चर्यजनक परिणाम पाते हैं। गन थ्योरी अपने आप में एक अलग ही कोर्स है, तो पूरा कोर्स तो इसमें आ नहीं सकता है। ये जब कोर्स समाप्त हो जाएगा तो मैं एक अलग से कोर्स शुरू करूंगा जो कि गन थ्योरी के ऊपर ही आधारित होगा। इस वाले कोर्स में मैं इसका इंट्रोडक्शन जरूर दे दूंगा कि ये क्या होता है, क्यों यूज होता है, क्या इसके एडवांटेज हैं। ये कोर्स बाजार में आप करोगे तो बहुत ही एबनॉर्मली हाई रेट पे लोग कराते हैं इसको, एक्सपर्ट इसके बहुत कम है। ओके, 1 लाख से लेकर 5-5 लाख रुपए तक में ये कोर्स लोग इसको कराते हैं, अच्छे परिणाम इसके आते हैं। तो इसको भी हम करेंगे पर आगे, पर इन दिस कोर्स आई विल कवर इंट्रोडक्शन। ओके, देखिए थोड़ा सा मैं आपको ग्लिम्स देता हूं कि व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू कवर। अब 1 घंटे का सेशन है, सारा कुछ नहीं हो सकता था, बट लेट अस सी कि हम जस्ट अ ट्रेलर। ओके, देखिए पूरी धरती के अंदर चाहे वो जीव हो, चाहे वो धातु हो, चाहे वो मूल, पूरी सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं हम उसको 3 भागों में बांट सकते हैं। जीव की बात करेंगे तो जो भी लिविंग बीइंग है, लाइक जानवर है, कीट है, समुद्र में रहने वाले जीव है, या मनुष्य प्राणी है, पक्षी है, सब कुछ ये जीव में आ जाते हैं। धातु में खनिज पदार्थ सारे आ जाते हैं, सोने चांदी, और मूल के अंदर सारे ग्रोसरी आइटम आ जाते हैं जो धरती पैदा करती है। ये तीनों चीजें जीव, धातु और मूल प्लैनेट के द्वारा गवर्न होती हैं। कोई जीव या कोई धातु या मूल ऐसा नहीं है जो किसी प्लैनेट के अधिपत्य में ना हो। कुछ खास जीव, कुछ खास मेटल अलग अलग प्लैनेटों के अधीन होते हैं, अलग अलग राशियों के अधीन होते हैं, अलग अलग नक्षत्रों के अधीन होते हैं। ओके, नक्षत्र तो फिक्स है, ग्रह घूमते रहते हैं। जब ग्रह घूमते हैं, जिस भी जीव के अंदर, तो कुछ लोग पशु वगैरह का भी खरीद करते हैं, तो कौन से जीव, कौन से धातु, कौन से मूल को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस राशि में वो प्रवेश कर रहे हैं, वो राशि का किस जीव धातु मूल पे अधिपत्य है, किस नक्षत्र पे वो मूव कर रहा है। एक राशि के अंदर मूव करेंगे तो 2.25 नक्षत्र हो जाएंगे, कौन अलग अलग नक्षत्र में भी अलग अलग रिजल्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो किस उस राशि के उस नक्षत्र के अधिपत्य में जो भी कमोडिटीज हैं, जो भी जीव धातु मूल हैं, उनको वो इन्फ्लुएंस करता जाता है और उतार चढ़ाव उन पदार्थों, उन कमोडिटी से संबद्ध चीजों में उछाल और जिसको हम कहते हैं तेजी और मंदी आती है। ओके, और ये तेजी मंदी कैसे आएगी, ये भी प्लैनेट के हम लोग समझेंगे। कुछ प्लैनेट हैं वो तेजी कारक हैं, राशियां हैं वो कुछ तेजी कारक हैं, कुछ राशियां मंदी कारक हैं। फिर कौन सा प्लैनेट है, कौन सी राशि में जा रहा है, उस राशि के स्वामी की उस प्लैनेट के साथ नैसर्गिक मित्रता है या शत्रुता है। ओके, वो नक्षत्र से निकल रहा है, उसके साथ उस प्लैनेट के कैसे संबंध, किस नक्षत्र के पद से निकल रहा है, उस पद का जो भी लॉर्ड है उसके साथ उसके कैसे संबंध, फिर उच्च का होके निकल रहा है, नीच का निकल रहा है, एवरीथिंग सबका कंबाइंड इन्फ्लुएंस जाके प्लैनेट के ऊपर चीजों की तेजी और मंदी आती है। तो ये तेजी और मंदी बिजनेस का सिद्धांत है। बिजनेसमैन को क्या चाहिए, बिजनेसमैन को तो चाहिए कि जब स्कैरसिटी हो तो वो चीजों को बेचे, जब मंदी हो तो वो खरीदे। एक बिजनेसमैन का यही काम होता है। ठीक है, जब मंदा हो उठा के रख लिया और जब तेजी आई बेच के प्रॉफिट कमा लिया। ये तेजी और मंदी यही जो है प्लैनेट के द्वारा गवर्न होती है। ओके, तो बेनिफिक प्लैनेट जो होते हैं, जैसे कि वीनस है, जुपिटर है, ये शुभ प्लैनेट है। शुभ प्लैनेट का क्या काम होना चाहिए, खुद सोचिए। मैं अभी जरा इसको खोलता हूं, अगर आप लोग अगर शोर ना करें तो मैं खोलता हूं। देखिए शुभ प्लैनेट का क्या कार्य है,
शुभ प्लैनेट का कार्य तो यही होगा कि वो शुभता पैदा करे, शुभ प्लैनेट का कार्य ये होगा कि वो सब लोगों को जिस जिन कमोडिटी पर उसका प्रभाव है वो सबको उपलब्ध कराए। जब वो चीजें सबको उपलब्ध सरलता से होंगी तो उसमें मंदी आ जाएगी, उल्टा है इसमें। और जो प्लैनेट मैलेफिक हैं, खराब रिजल्ट देने वाले हैं, वो इन चीजों में स्कैरसिटी पैदा कर देंगे, कम से कम लोगों को वो चीजें पहुंचेंगी, पैदावार कम होगी। जब उसकी स्कैरसिटी होगी तो क्या होगा, रेट बढ़ जाएंगे। जब उस प्रोडक्ट की बहुलता होगी तो रेट घट जाएंगे, ठीक है। तो ये मैलेफिक और बेनेफिक प्लैनेट्स, मैलेफिक और बेनेफिक राशि, ये सब मिलके ही आपस में मार्केट को निर्धारित करते रहते हैं कि किस कमोडिटी का रेट उठ रहे हैं, किसके बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हम लोग देखते हैं, बहुत बड़ी विद्या है। कॉन्स्टेलेशन, तिथि, प्लैनेट, डे ऑफ द वीक, है ना, डे ऑफ द वीक हो गया, तिथि हो गया, करण हो गया, सब कुछ मिलके करते हैं। तो उसमें हमें वी डोंट हैव टू वरी, इतना डिटेल में पंचांग के जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब ध्रुवांक मेथड लेंगे तो वो अपने आप ही उसको न्यूमेरिक सिस्टम में कन्वर्ट कर देता है पंचांग को। तो आप लोग, हम लोग बहुत सरलता से जब इस सिस्टम को समझ लेंगे मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के हम कह सकते हैं ये चार पिलर हैं, नक्षत्र, राशि, प्लैनेट ऑफ कोर्स एंड द ट्रांजिट्स। ओके, तो नक्षत्र और राशियां ये तो फिक्स हो गए जोडियक में। प्लैनेट मूव करता है ट्रांजिट के जरिए, इसका मूवमेंट ही प्लैनेट के अंदर उतार और चढ़ाव लेकर आता है, कौन सा प्लैनेट है कौन सी राशि में जा रहा है। थोड़ा सा मैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि धरती पर जो भी कुछ है उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, धातु, मूल और जीव। सारे धातु सैटर्न, राहु और मार्स के अधीन है, ऐसे ही मूल और जीव है, इसको हम लोग समझेंगे। इसी तरीके से कलर के द्वारा भी, प्लैनेट व्हाइट है इसके द्वारा भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सफेद रंग की चीजों पे वीनस और मून का आधिपत्य है, इसको भी हम लोग समझेंगे। फिर स्टॉक मार्केट को भी हम अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, ऑयल का मार्केट अलग कर सकते हैं, ऑयल, पेट्रोकेमिकल, फार्मेसी का अलग कर सकते हैं, आयरन का अलग कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से बहुत सारे सेगमेंट हैं, एग्रीकल्चर है, ऑटोमोबाइल, एविएशन, ओके, खास आपके एजुकेशनल हो गया, सीमेंट का हो गया। तो इस तरीके से हम समझेंगे कितने सेगमेंट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं और कैसे सेगमेंट वाइज भी हम कैसे पता लगा सकते हैं प्लैनेट के मूवमेंट से कि ये पर्टिकुलर सेगमेंट। आप लोग कई बार देखते होंगे ना कि सीमेंट के रेट भागने शुरू हो गए, कभी पता लगा फार्मेसी के शेयर भागने शुरू हो गए, कभी पता लगा आईटी के शेयर नीचे बैठने शुरू हो गए। तो वो भी हम देखेंगे सेगमेंट वाइज हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, हर प्लैनेट खास कमोडिटी को सिग्निफाई करता है, कंट्रोल करता है। एक एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे बृहस्पति है। बृहस्पति को अगर हम स्टॉक मार्केट में बात करूं, जैसे मैंने आपको दिखाया, बैंकिंग और फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, जेम्स एंड ज्वेलरी, ई टेबल ऑयल, FMCG, इस तरह के जो सेगमेंट्स हैं, इसको जुपिटर के द्वारा हम ट्रैक कर सकते हैं। जुपिटर कहाँ है, किसके द्वारा वेद हो रहा है। जुपिटर तो एक राशि में एक साल के लिए जाके बैठ जाते हैं, ठीक है, पर उनके ऊपर अलग अलग तरह के वेद, अलग अलग तरह के आस्पेक्ट वो चेंज होते रहते हैं, जिसके द्वारा वो रिजल्ट मॉडरेट होते रहते हैं। ओके, और कमोडिटी की अगर मैं बात करूंगा जुपिटर में, तो इनका कंट्रोल है गोल्ड के ऊपर, कॉपर के ऊपर, ब्रॉन्ज के ऊपर, ऑयल, टोपाज, मस्टर्ड, वीट, ये बृहस्पति के अधीन है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जितने भी बार हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है उन्होंने प्लैनेट के कार्यकत्व अलग चीजों में पढ़े होंगे, जैसे कि रिलेशन के बारे में, जॉब के बारे में, मेडिकल के बारे में, पर इधर हमारा जो फोकस है वो पूरी तरह से फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी है।
तो यहाँ पे हम प्लैनेट को, राशि को, नक्षत्र को दूसरे तरीके से देखेंगे कि वो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी मतलब स्टॉक्स और कमोडिटी को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे, कौन से स्टॉक कौन से कमोडिटी के ऊपर, कौन से मेटल के ऊपर, कौन से मूल के ऊपर उनका होल्ड है। तो जैसे एक मैंने जुपिटर का एग्जाम्पल लिया, हम 12 के 12 जो हमारे ग्रह हैं उनके बारे में समझेंगे। इसी तरीके से मैंने बताया जो संचित धातु, संचित मूल, ये सारे के सारे राशि के द्वारा कंट्रोल होते हैं। जैसे अभी हमने जुपिटर के बारे में समझा, उसी तरीके से राशियों का भी किन्हीं खास खास कमोडिटीज के ऊपर अधिकार होता है। ओके, तो एक एग्जांपल जस्ट टू शो यू, मेष राशि की बात करूंगा तो मशीनरी के शेयर, आयरन के शेयर, ओके, और क्या ले सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज ऑल कंट्रोल्ड बाय मेष राशि। ओके, सीमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सब इसके अंदर आ जाती हैं, आयरन, स्टील। ओके, तो 12 राशियों के बारे में हम ये डिटेल से समझेंगे। एरीज आई जस्ट शो यू एज ए सैंपल। एक और खास बड़ी घटना होती है कि सूर्य कौन सी राशि में संक्रांति कर रहा है, मतलब ट्रांजिट, प्रवेश कर रहा है, जिसको हम संक्रांति कहते हैं। जैसे अभी मकर संक्रांति हुई थी 15 जनवरी को, हर महीने 14-15 तारीख को एक राशि में सूर्यदेव प्रवेश करते हैं। अब प्रवेश तो करते हैं पर एक महीने तक बैठे रहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हर बार वो प्रवेश करेंगे तो हर बार एक से ही रिजल्ट आएंगे, पर काफी कुछ हम इसको देख सकते हैं कि एक महीने में ऐसा रिजल्ट डालेंगे। पर इसको डिफरेंशिएट कैसे होता है, ये डिफरेंशिएट होगा कि जब सूर्य प्रवेश कर रहा है किसी खास राशि में, उस समय पे चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा है। सूर्य और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन से पता लगता है कि आने वाले एक महीने में किस तरह की पोजिशन रहेगी। इसमें हम लॉन्ग टर्म पोजिशनिंग के लिए बड़ा यूजफुल होता है, कौन से चीजें हम स्टोर करके रख लें और 6 महीने बाद बेचें। ओके, इस तरह की चीजें हम इसमें, हमें लॉन्ग टर्म और मिड टर्म के लिए ये वाली स्ट्रेटेजी बड़ी यूजफुल होती है। देखिए, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर को का टाइम पीरियड क्या है, क्या वो एक दिन के लिए ट्रेडिंग कर रहा है, क्या वो महीने भर के लिए कर रहा है, 6 महीने भी? तो हमको अलग अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। This is also one of the very important theory. किसको कहाँ यूज करना है, किसको कहाँ पे कितना वेटेज देना है, that we will understand. आप लोगों को एक्सेल शीट बनवा के किस फैक्टर को कितना ये सब देना, that वो सब आप हमसे सीखोगे। What people do, वो एक्सेल शीट बनवाते हैं, अलग से सेल करते हैं। आप लोग देखोगे कोई अपने टूल देता नहीं है। ओके, तो what I will do with you, whosoever will join the course, उसको एक्सेल शीट और किस तरह से हम उसको मैनेज करेंगे। ओके, एक तरह से वो डैशबोर्ड बन जाता है। यू हैव टू जस्ट कैप्चर द इंफॉर्मेशन एंड देन यू कैन ट्रैक हाउ द डे इज गोइंग टू बी टुडे, वेदर इट विल बी बुलिश और बियरिश। ठीक है, तो सूर्य का इनग्रेस मैंने बताया, इनग्रेस मतलब ट्रांजिट। तो सूर्य का जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, सूर्य अगर प्रवेश करेगा, ठीक है, एरीज के अंदर, क्या आएगा इस पीरियड का ओवरऑल जनरल, ये जनरल बता रहा हूं। देखो, अब सूर्य जब मेष में प्रवेश कर रहा है, चंद्रमा मेष में है, टॉरस में है, जैमिनी में है, उससे भी वो सब चीजें प्रभावित करती हैं। पर अगर मैं एक जनरल टर्म में बात करूं, जब भी सूर्य एरीज में प्रवेश करेगा तो इस पीरियड में क्या होगा, बुलियन के, मशीनरी, आयरन, स्टील, ओके, ईडीबी, लॉयल, इन सब के रेट बुलिश होंगे, बुलियन मार्केट का रेट बुलिश होगा। तो इस तरीके से 12 संक्रांति और संक्रांति के टाइम चंद्रमा की स्थिति के अनुसार वो महीना ओवरऑल कैसा होगा, तो वो एक वो अम्ब्रेला फ्रेमवर्क हो जाता है, उसके अंदर फिर छोटी छोटी चीजें लगेंगी डे वाइज। पर जिसको लॉन्ग टर्म, मिड टर्म अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो ये जो टेक्निक है ये बहुत अच्छे परिणाम देती है। इसकी बात करी,
अब मैं बात करूंगा इंट्राडे निफ्टी और बैंक, ये पूरा का पूरा दिन निफ्टी और इंट्राडे के लिए हमको मून को ट्रैक करना है। इंट्राडे का जो कारक प्लैनेट है वो मून रहता है। अब मून हमको पता है एक राशि के अंदर सवा दो दिन रहता है, सवा दो दिन के अंदर से सवा दो ही नक्षत्र होते हैं, एक नक्षत्र में एक दिन बैठा रहता है। अब एक नक्षत्र के भी चार पद हो जाते हैं, ओके। तो चंद्रमा उस दिन कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से नक्षत्र पद से पूरे दिन निकलता हुआ जाएगा, कौन कौन सी होरा से निकलता हुआ जाएगा, चंद्रमा की किस मूमेंट पे कौन से नवमांश में है। कुछ लोग तो 10-10 दिन के 10-10 मिनट के में ट्रैकिंग करते हैं, 10-10 मिनट का डिफरेंस, 10 मिनट में चंद्रमा कौन से नवमांश में मूव हो गया, हो रहा तो चेंज नहीं हो रहा, नक्षत्र का पद तो चंद्रमा चेंज नहीं कर रहा। जो चेंजिंग पॉइंट होते हैं ये बड़े सेंसिटिव होते हैं, एक पद से दूसरे में पद में जाएगा तो हलचल होगी, नवमांश बदलेगा तो हलचल होगी, नक्षत्र बदलेगा तो हलचल होगी, मित्र नक्षत्र से शत्रु नक्षत्र में जा रहा है एकदम से हलचल होगी, ओके। तो ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे इंट्राडे में, कैसे हम चंद्रमा के द्वारा इसको ट्रैक करते हैं, इसका भी हम लोग एक शीट बनाएंगे एंड देन वी विल सी, ओके। तो चंद्रमा का भी जनरल प्रेडिक्शन भी है, जनरल जैसे कि एरीज राशि में जाएगा, मेष राशि में चंद्रमा, ओके। तो अगले सवा दो दिन के लिए ब्रॉडली क्या इंपैक्ट रहेगा, ओके। जैसे गोल्ड के अंदर स्लो डाउन डाल देगा, सवा दो दिन के लिए एक ब्रॉड फोरकास्टिंग है, ओके। पर एरीज के अंदर तो नक्षत्र दो हैं, वो भी मॉडरेट करेंगे चीजों को, ओके। कौन से पर्टिकुलर होरा में सब कुछ गवर्न करेगा, कैसे उनको ट्रैक करेंगे, इतने सारे फैक्टर्स हो जाते हैं, कैसे हम उनको वेटेज देंगे, दैट वी विल लर्न ड्यूरिंग द कोर्स। फिर मैंने आपको बात बताई थी कि डिग्री वाइज हम देखते हैं कि क्या दृष्टि संबंध बन रहा है दो ग्रहों के बीच में, 30 डिग्री का है, 60 का है, 90 का है, 45 का है, 22.5 का है, 144 का है, वो संबंध भी आपस में तेजी कारक और मंदी कारक होते हैं। फिर शत्रु शत्रु को देख रहा है, शत्रु मित्र को देख रहा है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, वो उसको कैसे समझेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। एंड द मोस्ट पावरफुल सर्वतो भद्र चक्र, इसको हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। सर्वतो भद्र चक्र, जैसा मैंने बताया, इट इज अ चक्र डिजाइंड बाय भगवान शिव, ऐसा बताया जाता है। नृपति सिंह ने इनके बारे में काफी डिटेल दी है, तो वहां से मैंने इसकी काफी स्टडी करने के उपरांत ये पाया है, और रिसर्च के द्वारा भी ये बहुत उपयोगी है इसका वेद। ये किस तरीके से काम करता है, ये पूरी की पूरी तरह से ट्रांजिट पे ही आधारित है, फाइनेंस के अलावा सब कुछ इससे देख सकते हो, मुहूर्त देख सकते हो, शादी की कंपैटिबिलिटी देख सकते हो, दुर्घटना देख सकते हो, वो तो एक अलग स्टोरी है। हम लोग जो इसको यूज करेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के लिए, ओके। प्लैनेट जो भी प्लैनेट है नौ के नौ ट्रैक करते हैं, घूमते रहते हैं, किस स्थिति में कौन सा प्लैनेट कौन से नक्षत्र पे और कौन से प्लैनेट पे वेद डालता है, उसको हम जानेंगे। वेद भी कैसे कैसे परिवर्तित हो जाते हैं, चंद्र जब प्लैनेट वक्री चल रहा है तो वेद बदल जाते हैं, स्पीड से चल रहा है तो वेद बदल जाते हैं, नॉर्मल स्पीड से चल रहा है तो वेद बदल जाते हैं, ओके। सूर्य चंद्रमा राहु केतु अलग प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ओके। तो कैसे उसकी गति के अनुसार हम ये जाने कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पर वेद डालेगा, कौन से वेद अच्छे हैं, कौन से वेद अशुभ हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, ये एक सर्वतो भद्र चक्र है, ओके। ये मैंने आपको समझाने के लिए एक शीट पे बनाया है। अब आप इसमें देखोगे
जो लास्ट वाले कॉलम है इसमें आप सब देखिए, कृतिका रोहिणी मृक्षिरा आद्रा पुनर्वसु कौश्य अश्लेषा, ये मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ दिस सर्वतो भद्र चक्र इज फॉर्म्ड एंड हाउ द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट एंड बेस्ड ऑन देयर स्पीड वेद अदर नक्षत्रास एंड प्लैनेट्स और उसका रिजल्ट क्या रहता है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो आपने देखा कोने कोने में ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है देखने में सर्वतोभद्र चक्र, और इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि कई लोग इसे खोलते हैं फिर एक तरफ रख के सो जाते हैं क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये। पर जब हम इसको समझेंगे तो कुछ कठिन नहीं होता है, एक बार हम समझ जाते हैं तो चीजें आसान लगती हैं, जब तक समझ में नहीं आती वो डिफिकल्ट लगती है। अब ये सर्वतोभद्र चक्र, अब इसमें मैं कहता हूँ सैटर्न रेवती नक्षत्र से गुजर रहा है, रेवती नक्षत्र से गुजर के ये तीन जगह वेद डालेगा, मृगशिरा में इसको हम कहते हैं वाम वेद, सम्मुख वेद डालेगा ये उत्तरा फागुनी पे, और दक्षिण वेद डालेगा ये मूल नक्षत्र पे। ओके, अब मृगशिरा के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है, ठीक है, तो बस क्या हो गया उसका इम्पैक्ट हम जान सकते हैं इंट्राडे में। अभी रोहिणी में है चंद्रमा, अभी गया मृगशिरा में, सैटर्न जी तो 2.5 साल तक विराजमान रहेंगे राशि में, रेवती में उनका टाइम आप लगा लो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम ये कैसे निकालते हैं इसको हम समझेंगे। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, एक खास घटना हुई थी, देखिए ये सर्वतोभद्र चक्र है, एक सॉफ्टवेयर के द्वारा मैंने क्रिएट किया है। 21 अक्टूबर की घटना को हम समझेंगे, 21 अक्टूबर 22 अक्टूबर, 21 अक्टूबर को आप देखिए, मैं अभी आप सब लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं, पर शोर ना मचाइएगा, सब लोग अपने को म्यूट रखिए, इस कंडीशन पे मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, आवाज आएगी तो मैं दोबारा म्यूट कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उसमें फिर बार बार टोकना संभव भी नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता है। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ तो अपना माइक बंद कर लीजिए सब लोग। सुनिए देखिए, ये जो है आप इसमें डेट देख सकते हो, कैन यू सी यहाँ पे डेट कौन सी आ रही है बताइए, 21 अक्टूबर 3:30 बजे का टाइम आ रहा है यहाँ पर, यस और नो? यहाँ पर देखिए जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, यस सर। अच्छा आप ये देखिए, चंद्रमा इसमें अश्वनी नक्षत्र में बैठा है यहाँ पर, 21 तारीख को अक्टूबर को 3:30 बजे चंद्रमा देखिए कौन से नक्षत्र में भेजा है बैठा है, अश्वनी नक्षत्र में बैठा है ना, अश्वनी। ओके, देखिए राहु इधर बैठे हुए हैं, तो अभी राहु का वेद चंद्रमा पे पड़ नहीं रहा, और उधर मैं देखूं चंद्रमा पे किसका वेद पड़ रहा है, मर्क्यूरी, इसका किसका पड़ रहा है, शुक्र का। शुक्र शुभ प्लैनेट है, अशुभ है, शुभ प्लैनेट है, शुभ प्लैनेट है, तो ये थोड़ा मंदी की तरफ लेके बैठा हुआ था इसको, यस एंड नो? ओके, फिर क्या हुआ, आप इसी चार्ट को देखिए, ये 4:30 बजे भरणी नक्षत्र में आ गया, अभी आप चलिए आगे, अभी देखिए 21 अक्टूबर को कितने बजे का चार्ट बन गया, अभी कितने बजे का संजय जी? 4:30। अब 4:30 पे देखिए चंद्रमा ट्रांजिट में कहां आ गया, भरणी नक्षत्र में, राहु के वेद भरणी में आते ही राहु का वेद पड़ गया, राहु के वेद में पड़ते ही चंद्रमा पे 3-4% तक का जंप आ जाता है। प्लैनेट के साथ कोई प्लैनेट कंजंक्शन में है तो 1-2% का मून के साथ, पर अगर इसके साथ कोई वेद पड़ गया तो ये मार्केट में अच्छा उछाल डाल देता है। ओके, जैसे ही ये इसके संपर्क में आया, अब ये 4:30 बजे आया, ओके, तो अगले दिन 22 को एकदम मार्केट थोड़ा एकदम हाई खुला, ओके,
तो इसका आप वेद देख सकते हो। देखिए 21 अक्टूबर को 13 बजे मार्केट ये था, नीचे हम देख सकते हैं ना, ये यहाँ पे डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, ये डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, बिल्कुल कोने में जो खाई बनी हुई है यहाँ पर जी, जी, सर। ओके, और देखिए 22 को ये यहाँ छोटी पे पहुंच गया, ठीक है। तो हम ये ग्राफ से डेली जो निफ्टी होता है, बैंक निफ्टी है, उसको पढ़ना भी सीखेंगे और कैसे वो हमारे जो एस्ट्रोलॉजिकल के प्रिंसिपल हमने बनाए हैं उसके द्वारा हम इसको मैप करेंगे, जानेंगे कि पीछे ये घटनाएं कब कब हुई थी और क्यों हुई थी। ओके, देखिए एस्ट्रोलॉजी सीखने का सबसे बड़ा तरीका यही है, आप सीखिए, सीखने के बाद उसको हिस्टोरिकल डेटा पे अप्लाई करिए। अभी क्योंकि हम लोग हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर, किसी का पैसा लगवाएंगे या अपना लगवाएंगे, उससे पहले पेपर ट्रेडिंग की आदत डालनी होगी आप सबको, ठीक है। पहले जो मेजर उतार चढ़ाव आए हैं उसके ऊपर अपने सिद्धांतों को लगाएंगे, और जब हम समझ लेंगे अच्छी तरह, मास्टर कर लेंगे कि भैया ये घटना हुई थी, जैसे अभी आपको मैंने ये एग्जाम्पल लेके बताया कि यहाँ पे ये डीप था तो क्यों था और ये उछाल क्यों आया, और आपको देखिए इसको सिर्फ अब मैंने एक ही तो फैक्टर लगाया यहाँ पे सर्वतोभद्र चक्र का, अभी बाकी फैक्टर तो लगाए नहीं है, बाकी फैक्टर लगाएंगे तो और भी ज्यादा एक्यूरेसी आ जाती है। तो जब हमारी हिस्टोरिकल डेटा पे हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे कोर्स के ही दौरान, और वंस वी आर कॉन्फिडेंट कि नाउ हिस्टोरिकल डेटा पे व्हाट एवर वी हैव लर्नड आर वर्किंग फाइन, देन वी कैन स्टार्ट अप्लाइंग ऑन द फ्यूचर। फिर आप जैसे आज आप बैठे हो, आप कल का फोरकास्ट करोगे, ओके। शुरू में पेपर ट्रेडिंग करोगे, पैसा लगाने की जरूरत किसी को नहीं है, 3-4 महीने तक पेपर ट्रेडिंग करिए कि भैया मैं आज सोना खरीद रहा हूँ, आज मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर खरीद रहा हूँ, ठीक है, आज मैं रिलायंस का शेयर खरीद रहा हूँ, आज मेरे पास आईटी में इंफोसिस के शेयर्स हैं, अब मैं इसकी पोजिशनल सेलिंग कर रहा हूँ, अगले 3 दिन के अंदर कौन से दिन बेचूं, ये सब पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं पैसा लगा ही नहीं रहा। जब आपने हिस्टोरिकल पर प्रैक्टिस कर ली, आगे आप लोगों ने पेपर ट्रेडिंग कर ली, उसके बाद आप जो है मार्केट में कूदने के लिए तैयार हैं। ये चीज हमको हमेशा दिमाग में रखनी है कि शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट हमेशा जोखिम से भरा हुआ है, एस्ट्रोलॉजी उसके अंदर एक टूल है जो हेल्प करता है आपको। अगर कोई सोचे मैं खाली फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से कर लूंगा तो दिक्कत होगी, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए। अब मैं आपसे कहता हूं कि भैया सीमेंट मंगल के चक्कर में सीमेंट के सेक्टर में उछाल आएगा तो सारे सीमेंट के सेक्टर थोड़ी बढ़ जाएंगे, हो सकता है अंबुजा सीमेंट का नाम ले लूंगा, कोई भी सीमेंट है, सारे सीमेंट अच्छा चल रहे हैं, एक सीमेंट खराब जा रहा है, उस फैक्ट्री की बैलेंस शीट भी तो पढ़नी आनी चाहिए, उसका भी तो पता होना चाहिए, उसका बाकी जगह कहाँ इन्वेस्टमेंट है, कौन सी कंपनी के साथ टाई अप हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो टेक्निकल नॉलेज भी हमको होनी चाहिए। उसके बाद अगर हमारे पास फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी है तो हमारा प्रेडिक्शन शेयर में क्या होगा, खरीदने का एक्यूरेसी, और इसको कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं, व्हाट एवर यू डू इन फ्यूचर वो क्या है, कैलकुलेटेड रिस्क है। दुनिया का कोई बिजनेस ऐसा नहीं है, आप कहो मैं चाय का खोका लगाऊंगा वो भी रिस्क है, कई लोग चाय के उसमें बहुत पैसा कमा जाते हैं, तो हर चीज में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क होता है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या है, हमारा जो रिस्क फैक्टर को और मिनिमाइज कर देता है और बहुत प्रभावशाली रिजल्ट आते हैं, क्योंकि ये टाइम टेस्टेड है, सब कुछ है, हमको पता है एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड, कुछ भी दुनिया में चीज ऐसी नहीं है जो अपने आप हवा में हो रही है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है, उस स्क्रिप्ट को पढ़ना आना चाहिए। ओके, तो फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी के द्वारा 70-80% की एक्यूरेसी प्राप्त कर सकती है एक अच्छे
प्रैक्टिस के बाद ओके 20% हम कभी भी नहीं बोलेंगे, देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर नॉट इन अवर कंट्रोल। सुनामी आ गया, वोल्केनो फट गया, सत्ता परिवर्तन हो गया, कुछ भी हो गया, हालांकि मंडेन से उसको अलग से देख सकते हो, पर वो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का पार्ट नहीं है। अब म्यूट कर लीजिए अपने को, ठीक है? तो ये कोर्स है, ये मैंने आपको अभी मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको। चलिए मैं अभी क्या करूंगा, अभी मैं इसको फोरम को खोल देता हूँ क्वेश्चन और आंसर के लिए, और मैं इसको किसी का कोई भी प्रश्न हो। वो पूछ सकता है, जी बताइए। ये MIA2 अपने को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, हाँ जी, हाँ बताइए। हाँ जी सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे ये वाला कोर्स है, ये वाला ये तो फाइनेंशियल मार्केट का हो गया, हाँ, बट लेकिन अगर हमारी कुंडली उसमें सपोर्ट नहीं कर रही उस चीज को लेके, तो फिर उसको हम कैसे करें? यही तो मैंने बताया था शुरू में, देखिए अगर किसी की कुंडली, ये भी मैं बताऊंगा पर्सनल हॉरोस्कोपी, अगर खुद की कुंडली सपोर्ट नहीं कर रही तो आप जो है दूसरे से तो इन्वेस्ट करवा सकते हो ना। मान लो कुंडली में मैं कहता हूँ 5 का संबंध है, 12 से बना हुआ है, 8 से बना हुआ है, इन्वेस्टमेंट मतलब लॉस होगा, खुद करोगे दूसरों से कराओगे लाभ उठा सकते हो। मैंने आपको एग्जांपल लिया, सचिन तेंदुलकर बनना है या सचिन तेंदुलकर का कोच बनना है, ये कुंडली के द्वारा पढ़ सकते हो। आप खुद इन्वेस्ट करके पैसा कमाओगे या दूसरों का इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमवाओगे, दोनों अलग अलग चीज है। वो क्या योग है पर्सनल उसके अंदर, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? अच्छा, इसमें एक जनरल क्वेश्चन मैं अपनी कुंडली से रिलेटेड ही पूछ लूं, अगर आप इजाजत दे दो। नहीं नहीं, वो देखो कुंडली का सिर्फ मैं इतना लूंगा कि आप ये जान सको कि आपकी खुद की कुंडली में शेयर खरीदने का क्या योग है। दूसरा, कोई आपके पास आए क्लाइंट, वो कहे कि मेरे पास शेयर में फायदा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, आप उसकी कुंडली का अध्ययन करके उसको ऑनेस्ट ओपिनियन दे दो कि सर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपकी कुंडली में योग नहीं है, तो आप इसको ऐसे करिए। या कई लोगों के मिक्स नंबर आते हैं, उनकी कुंडली ऐसी होती है कि वो शेयर से पैसा कमा भी रहे हैं दिखता है, और ऐसे भी योग बन रहे हैं कि वो पैसा गंवाएंगे। तो हम अगर उसको हाईलाइट करके नंबर को ये देख लें, उसकी कौन सी दशा भुक्ति अंतरा में वो शेयर में पैसा कमाएगा, कौन सी दशा भुक्ति अंतरा में वो पैसा गंवाएगा, तो हम उसको वो पीरियड बता दे कि भैया इस पीरियड में पैसा मत खर्च करिएगा, इसमें पैसा लगाइए, पैसा कमाओगे। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे, फिर कौन सी वो रेमेडी वगैरह कर सकता है वो भी हम समझेंगे। ओके, गेटिंग। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? देखिए मैं भी अनम्यूट कर देता हूँ सबको। हाँ बताइए, और किसका क्या प्रश्न है? सर, आई हैव अ क्वेश्चन सर। या टेल मी सर, जैसे आपने बताया कि लाइक टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए फाइनेंशियल मार्केट की, बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव दैट बैकग्राउंड, आई एम जस्ट क्लीन स्लेट। तो आई हैव नॉलेज अबाउट लाइक केपी का कॉन्सेप्ट तो मुझे आता है, बट लाइक विल इट बी पॉसिबल फॉर मी टू लर्न दिस पर्टिकुलर? वो तो आप सीखिए, देखिए, यस यस एब्सोल्युटली एस्ट्रोलॉजी आप सीख लीजिए अच्छी तरीके से, फिर इसी में एक एक हफ्ते दो दो हफ्ते के टेक्निकल एनालिसिस वाले भी कोर्सेज होते हैं, वो दैट आई विल गाइड यू, थोड़ी नॉलेज आप वहां से ले लीजिएगा। ओके, क्योंकि मुझे सर जैसे आप बात करें ना इसी कंपनी की, जैसे बैलेंस शीट्स वगैरह, मतलब दो आई हैव अ कॉमर्स बैकग्राउंड, बट 20 साल का मेरा गैप है सर एजुकेशन में, तो मतलब आई डोंट नो, आई एम नॉट दैट वेल अवेयर ऑफ ऑल द फैक्ट्स एज ऑफ नाउ। कोई बात नहीं, देखिए आप अगर शेयर की दुनिया में कदम रख रहे हो तो एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज आपने ले ली, साथ ही साथ आप थोड़ी टेक्निकल स्टडी भी कर लीजिएगा,
जब आपके है ना, तो आपको कोई बहुत बड़ा चार्टेड अकाउंटेंट नहीं बनना है। देखिए शेयर में पैसा तो कोई भी लगाता है, सारे सीए थोड़ी होते हैं, इंजीनियर भी लगाते हैं, डॉक्टर भी लगाते हैं, मैं तो कहता हूँ चाय वाले भी लगाते हुए देखे मैंने। ओके, मैंने वो भी टाइम देखा है कि पान वाला कहता था सर यूटीआई की खरीद लिए, 10,000 के लिए थे, 1.5 जो है 90,000 हुए। ठीक है, ठीक बात। तो कई बार बहती गंगा में सब हाथ धो जाते हैं और कई बार बड़े बड़े दिग्गज भी मात खा जाते हैं। तो हम क्या है, हमको तो स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी करके आपने एक रिस्क फैक्टर को बहुत कम कर दिया। आपको पता है कि मेरे ये सारे सारी राशियां, सारे प्लैनेट, इसके मूवमेंट, सर्वतोभद्र, ध्रुवांक सब मिला मिलकर ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बन रहा है, और आप टेक्निकली भी देख रहे हो कि भैया ठीक है, तो फिर रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है भाई, हमको तो स्टॉक में हमें तो यही तो देखना कि शेयर हम खरीदें तो 100 में से 90 बार हम प्रॉफिट बनाए। 100 में से 100 था तो कोई बना नहीं सकता, बिल्कुल 100 में से 90 बार बनाए, गवाए कम, तो वही चीज हम सीखेंगे। बाद में सीख वो बाद में आप उसकी नॉलेज लेते ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। और हाँ नितिन भाटिया बोलिए। नितिन सर हो गया, मेरा हो गया। हाँ नितिन, आपने तो अभी पूछा। हाँ सर, मैं जानना चाहता हूँ, मेरे को एस्ट्रोलॉजी का एबीसी भी नहीं आता, तो फिर क्या मैं कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ ये? आपको ये पता है भाव राशि और राशि भाव राशि के लॉर्ड नक्षत्र थोड़ा बहुत? हाँ ये पता है, ये पता है, थोड़ा बहुत, बहुत, बहुत ही बेसिक आइडिया। बस बेसिक अगर ये पता है कि 12 राशियां होती है, 27 नक्षत्र है, ये उनके लॉर्ड है, देन यू कैन डू। वैसे okay, तो देखिए एक एक पहले दिन जो मेरा सेशन होगा वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में ही होगा, तो उसमें मैं आपको समझा दूंगा राशियां क्या होती हैं, नक्षत्र क्या होते हैं, नवमास चार्ट क्या होता है, और शत्रु राशियां क्या हैं, उच्च नीच क्या है, तो पूरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो रिक्वायर्ड है वो मैं कराऊंगा। तो आपको थोड़ा सा भी बेसिक ज्ञान है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, थैंक यू सर। नमस्ते, विजय कुमार फ्रॉम बेंगलोर। हाँ विजय जी। सर, वील लर्न इन दिस कोर्स इवन technical analysis also sir, that bar theory or candle theory like that? No, that I told you is a separate. Okay, technical ka hum alag se karenge, hum isme astrological angle lenge. Okay, thank you. Haan Sanjay ji. Yes Sanjay ji, yeah boliye. Haan aap bolni thi madam, boliye. सर संजय बोल रहा हूँ। हाँ संजय जी, आपने जो ये पूरा बताया उसको फिर ऐसे कोई फ्लो चार्ट जैसा लास्ट में कैसे उसको समराइज करके देखना है। हाँ, वो कोई टेक्निक सिखाओगे आप सर? हाँ यस यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, इतनी सारी चीजें हैं तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, तो आई विल मतलब वी विल डेवलप अ टूल एक्सेल शीट के माध्यम से। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स लेने हैं, इंट्राडे के लिए कौन से फैक्टर लेने हैं, आवरली बेसिस पे कौन सा फैक्टर लेना है। अब आपको 2 से 3 के बीच में मूवमेंट देखना है, तो 2 से 3 के बीच में कौन वहां पे हो रहा इम्पोर्टेंस आ जाएगी, नवमांश की इम्पोर्टेंस आ जाएगी। ओके, तो इंट्राडे में आपको कौन कौन से फैक्टर लेके वर्कशीट बना सकते हो, कमोडिटी को लेके आप देखना चाह रहे हो तो कौन सीट, तो 1-2 शीट हम बनाएंगे। ठीक है, ओके। और ये सर SBC है जो सर्वतोभद्र चक्र है, उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर अलग से लेना पड़ेगा, वो कहाँ से मिलेगा सर? वो भी मैं आपको गाइड करूंगा, जैसे वो मैं आपको बताऊंगा। देखो जब हम कोई चीज करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर तो लेने होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कुछ सॉफ्टवेयर फ्री हैं, बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर हैं जो एकदम फ्री में हैं। पर सर्वतोभद्र चक्र जो मैंने आपको दिखाया था ये सबसे अच्छा सर्वतोभद्र चक्र है। ओके, तो ये सॉफ्टवेयर में आता है, कौन से सॉफ्टवेयर में है, कितने का है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। आप अपने बजट के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, हर आदमी स्वतंत्र है लेने के लिए, मैं आपको 2-3 जगह बता दूंगा। नहीं तो मैं आपको इतना सक्षम तो कर ही दूंगा, आप खुद ही बना लोगे, कोई चक्कर ही नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी सर, केपी जो स्टार वन है उसके अंदर आप ये सर्वोदय चक्र बना सकते हैं या उसमें नहीं, आ सकता नहीं, नहीं उसमें नहीं आएगा, उसमें आपको वो आपको केपी स्टार वन वहां हेल्प करेगा जो आपको डिग्री से डिग्री की एंगल देखने 30 डिग्री 60 डिग्री है ना, वो आप उससे निकाल लोगे। ठीक है, सर्वतोभद्र चक्र उसमें नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू, पर मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। थैंक यू, ग्रेट सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, संजय सिंह सर।
हाँ बोलिए संजय जी। नमस्कार सर। ओम सर। हाँ ओम जी। सर बोल रहा है सर, मेरे को दूसरा साइंस का तो नॉलेज है, एक्चुअली हम इस फील्ड का नहीं है, फ्यूचर में इस फील्ड में हम मूव करेंगे, तो मेरे को वैदिक के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया है। तो ये जो आपका जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी जो है, ये वैदिक के ऊपर करेंगे, केपी भी है, नाड़ी भी है, दूसरा भी एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट है। इस पर नाड़ी नहीं चाहिए, देखिए बस आपको इतना पता होना चाहिए कि 12 राशियां होती हैं, राशि के लॉर्ड ये हैं और नक्षत्र ये होते हैं, बस इतना पता होना चाहिए। बाकी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जितनी इसमें चाहिए, दैट आई विल टेल, एक सेशन पूरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे होगा। अच्छा, और सर ये जो है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी जो है, कोई भी फाइनेंशियल पार्ट, इससे हम किसी का कुंडली जांच करके बोल पाएंगे, मतलब नॉट ओनली फॉर शेयर मार्केट, कोई टेक्नोलॉजी फील्ड में है, कोई मेडिकल फील्ड में है, कोई दूसरा कोई फील्ड में है, कोई भी फाइनेंशियल पार्ट हम इससे हम जांच कर पाएंगे? वो बंदा कुछ भी करता हो, बस ये स्टॉक, वो जो नेटिव है वो स्टॉक्स में और कॉमोडिटी में, शेयर में कैसा काम करेगा। जरूरी नहीं है कि बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो शेयर में पैसा लगा जीतेगा। एक इंजीनियर है पर उसकी कुंडली के अंदर जैसे पांचवे घर का पीएसी 11वें घर से बन रहा है, दूसरे घर से बन रहा है, वो इंजीनियर होते हुए पैसा कमा जाएगा। और चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सारी नॉलेज दिए बैठा है, ठीक है, पांच का संबंध बन रहा है, पांच से आठ से पीएसी बन रहा है, शुभ घरों से, तो वो भाई वो नॉलेज एक तरफ है और प्रारब्ध एक तरफ है, वो खुद नहीं कमा पाएगा, पूरी नॉलेज होगी तो वो हम समझेंगे, समझ रहे हैं? और कोई क्वेश्चन है कि ये किसी भी मार्केट में चलता है, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक यूनाइटेड स्टेट्स में नैस्डैक मार्केट, S&P 500, किसी भी मार्केट में It will work anywhere. And this Sarvatobhadra Chakra, beauty of the Sarvatobhadra Chakra is, ये पूरा का पूरा, आप चाहे चाइनीज में यूज करो, चाहे स्पेनिश में यूज करो, जिस शेयर का नाम ले रहे हो उस किससे शुरू हो रहा है, कहीं भी शुरू हो सकता है। और ये जो पूरा हम पढ़ेंगे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आप यूएसए की बात कर रहे हो तो बस यूएसए का जो स्टॉक मार्केट है वो सुबह 9:15 या पर्टिकुलर टाइम में उसकी ट्रांजिट की पोजीशन क्या है उसके द्वारा आप जान जाओगे। यू गेटिंग मी? सो जैसे कि मेरे को टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या हैं, कैसे अप्लाई होते हैं, तो ये एस्ट्रोलॉजी कैसे कंबाइन करेंगे उसको? वो कंबाइन ऐसे ही करेगा, अभी मैंने आपको दिखाया ना, मैंने आपको दो चार्ट दिखाए थे, वन चार्ट आई शो टू यू इज ऑफ सर्वतोभद्र चक्र कि हाउ व्हेन मून ट्रांजिटेड फ्रॉम अश्वनी टू भरणी, व्हेन इट वाज इन अश्वनी नक्षत्र इट वाज गेटिंग अ वेद फ्रॉम वीनस, मार्केट वाज डाउन, एंड इन वन आर इट मूव टू भरणी नक्षत्र, इट केम अंडर द वेद ऑफ राहु, मार्केट जम्प्ड 400 points। देन मैंने आपको टेक्निकल भी दिखाया चार्ट, ओके, टेक्निकल भी आपने देखा कि 21 तारीख को कहाँ बैठा हुआ था और जैसे ही वो राहु में आया एकदम से जो स्पाइक आपने देखी ऊपर चली गई, ओके। सो आप कौन से स्टॉक मार्केट, कौन से सॉफ्टवेयर से ट्रैक करते हो, ओके, तो आप समझ सकते हो। तो सर ओवरऑल मार्केट की पता पड़ जाएगा, लेकिन स्पेसिफिक स्टॉक का कैसे पता पड़ेगा? स्टॉक का दैट आई विल टेल यू ना, दैट आई विल टेल यू ना। देखिए दो तरीके हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे इंडिया में अब आई विल टेल यू द मोस्ट पॉपुलर शेयर्स लाइक रिलायंस है, ओके, इंफोसिस है, तो जो बड़े मेजर हैं उनका तो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। अब कोई आप यूएसए में है या किसी और कंट्री में, वहां के शेयर के लिए कौन सी राशि है, दैट आई विल टेल यू, ओके, एक पर्टिकुलर शेयर के लिए कैसे करेंगे, दैट आई विल टेल यू इन द कोर्स। हाँ जी, कोई और किसी का प्रश्न है? चलिए, तो ये कोर्स 27 जनवरी से शुरू हो रहा है, शाम को इसकी क्लासेस होंगी 8:30 से, वेडनेसडे और सैटरडे को क्लासेस होंगी, 2 महीने का कोर्स है, कंटेंट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू, किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे से वो ले सकता है, फोन नंबर मेरा आपके पास आ गया होगा, अदरवाइज इस स्लाइड पे देख लीजिए 9205725596, ये मेरा फोन नंबर है,
इसके ऊपर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, फोन भी कर सकते हो, कोई भी कोर्स की डिटेल आपको लेनी है। ओके, तो इसके साथ मैं ये कार्यक्रम समाप्त करूंगा और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आपने ये सेशन अटेंड किया। ओके, तो फिर हम मिलते हैं जब हमारा कोर्स शुरू होगा। थैंक यू सर। Thank you so much. Appreciate it. Thank you. Thank you.